दाखिल हो जाएगा। बकरीद का दिन मुसलमानों के लिए कुर्बानी का माना जाता है। मुसलमान समुदाय महंगे से महंगे बकरे खरीद कर लाते हैं और कुर्बानी देते हैं। मुंबई के मीरा भाईंदर की सोसाइटी में भी एक मुस्लिम परिवार कुर्बानी के लिए बकरा खरीद कर लाया, लेकिन इसे लेकर बवाल हो गया। सोसाइटी में वो जैसे ही बकरा लेकर पहुंचे, कुछ लोगों ने विरोध किया। सोसाइटी में ये बहस बढ़ती गई और सोसाइटी के और लोग आ गए। बवाल बढ़ा और बजरंग दल समेत हिंदू संगठन पहुंच गए। जमकर नारेबाजी होने लगी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे हजारों की भीड़ है। एक बकरा जो कि इतना भारी पड़ गया है, सारा। मौके पर पुलिस बुलाई गई, हनुमान चालीसा का पाठ हुआ और जय श्री राम के नारे लगाए। पुलिस ने आकर इनको समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं मान रहे। जिला अध्यक्ष भाजपा के रवि व्यास भी यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मौके की नजाकत को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल पहुंच गया। पुलिस ने किसी तरह भीड़ को वहां से हटाया, बल प्रयोग किया गया और अभी भी इलाके में तनाव बना हुआ है। मामला मुंबई की जेपी नॉर्थ सोसाइटी का है। सोसाइटी में एक मुस्लिम परिवार बकरे की कुर्बानी के लिए लेकर आया था। सोसाइटी के दूसरे लोगों ने इसका विरोध किया। दोनों पक्षों में बहस होने लगी और मौके पर भीड़ जमा हो गई। सोसाइटी में बकरे की कुर्बानी का विरोध होने लगा। हिंदू संगठन के दर्जनों लोग वहां पहुंच गए। नारेबाजी होने लगी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे हजारों की भीड़ लगी है। एक बकरा जो कि इतना भारी पड़ गया है, सारा। वहीं दूसरे समुदाय के लोग भी जमा हो गए। बजरंग दल के सदस्य कई लोगों को लेकर पहुंच गए। दोनों समुदायों के बीच विवाद गरमाने लगा। मामला धक्का मुक्की तक पहुंच गया। लोगों का कहना था कि सोसाइटी में कुर्बानी की इजाजत नहीं है। चल रहा था ये आपका 5-6 दिनों से चल रहा था, अप्रूवल का, परमिशन का। सोसाइटी का नियम कानून बहुत क्लियर है कि आपको मवेशी अलाउड नहीं है। मवेशी में किसी स्पेसिफिक नाम नहीं है, उसमें सारे मवेशी आते हैं। उसमें आपका बकरे भी आ जाते हैं, भेड़ भी आ जाते हैं, गाय भी आ जाती है, सब आ जाते हैं। और एक गवर्नमेंट का जो GRI है ग्लोबल पैन इंडिया का, उसके हिसाब से है कि मवेशियों को इंसानों से दूर रखना चाहिए। उसी तर्ज पे 2 साल पहले हमारा AGM में ये पास किया गया था कि यहाँ पर पेट्स पॉलिसी के अंतर्गत में पेट्स का जो एक नियम कानून बनाया गया, मवेशियों का एक नियम कानून बनाया गया, और त्योहारों को कैसे मनाना है इसका भी एक नियम कानून बनाया गया था। तो सारे त्यौहार उसी हिसाब से मनाए जाते हैं। हमारे भी त्यौहार हम बाहर मनाते हैं, कुछ त्यौहार होते हैं, होलिका जलाता होता है या दिवाली होती है। यहाँ पर क्या हुआ कि जब बकरीद में बकरे लाने की परमिशन की डिमांड आई, तो उनको यही कम्युनिकेट किया तीनों सोसाइटीज ने मिल करके कि देखिए ये हमारे बस की बात नहीं है, और ये चीज है, ये हर एक रेजिडेंट को इम्पैक्ट करता है। बिकॉज आप किसी के भी पड़ोस के घर में आप बकरा लेकर आ जाएंगे, तो ये सोसाइटी इस चीज का आपको आदेश नहीं दे सकती है। नारेबाजी होने लगी। बजरंग दल धरने पर बैठ गया और हनुमान चालीसा का पाठ होने लगा। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को हटाने के लिए बल प्रयोग किया। लाठी चार्ज करके लोगों को वहां से हटाया गया। इसके बाद मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने बताया है कि सोसाइटी और उसके आसपास फोर्स तैनात कर दिया गया है। किसी को भी भीड़ जुटाने की इजाजत नहीं है। वहीं दोनों पक्षों से बातचीत चल रही है। उन्हें बकरीद के मौके पर माहौल खराब नहीं करने की चेतावनी भी दी गई है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।